Students and welcome to English Education. Today I'm going to um, start the class 10th grammar section. But before I shall start, let's discuss what are the things that you have to study, what we had already done, but you are not revising it itself yourself, we are not revising at all, and what are the things that uh, are not so important for you. तो अभी देखो सबसे पहले हम लोग अगर पार्ट वन करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग को इसी चीज को पढ़ना है अभी से क्योंकि जितना भी चीज हम लोगों ने पढ़ा है अब तक वो सेक्शन सी से था दैट मीन्स फ्रॉम योर लिटरेचर इवन आई हैव कम्प्लीटेड सम ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्रामर तो उसमें को कैसे करना है वो ध्यान में रखो सबसे पहले आओ सेक्शन ए का रीडिंग ठीक है पार्ट ए रहेगा ये रीडिंग जिसमें से आपको दो अनसीन पैसेजेस रहेंगे ठीक है टू अनसीन पैसेजेस रहेंगे उसमें आउट ऑफ फिच द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन दीज बोथ कैरी टेन मार्क्स ठीक है अब तुम लोग जब उसको सॉल्व करते हैं द वे यू आर सॉल्विंग इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम फर्स्ट यू गो थ्रू द ऑल दैट पहले पूरा पैसेज पढ़ते हो उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हो फिर ढूंढना शुरू करते हो तो एक काम कर सकते हैं व्हाट यू स्टार्ट वी यू जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ठीक है आपके पास लिमिटेड टाइम होता है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ठीक है पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो क्योंकि इफ यू यू आर हैविंग द क्वेश्चन इन योर माइंड ध्यान रखो क्वेश्चन जब दिमाग में है आपके पहले से तो जब अगर आप मान लो पैसेज पढ़ रहे हो इतना दूरी तक आपका पैसेज आता है आपको तीन आंसर यही मिल गए और एक आप क्वेश्चन पढ़ के ध्यान लगा सकते हो कंक्लूजन वाला आंसर है तो यू डोंट हैव है मिडल पार्ट सात सौ साढ़े सात सौ वर्ड का एक पैसेज रहेगा इट विल टेक यू टाइम एंड क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड जब आप एग्जाम देते हैं तो दिमाग में बहुत सारे पहले से सवाल चलते रहते हैं फर्स्ट यू गो थ्रू द क्वेश्चन कीप इन माइंड अनसिन पैसेजेस जो सेक्शन ए में रहता है उसकी बात गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन रीड द पैसेज ठीक है तो वो टाइम तुम्हारा बचेगा दोनों वैसे ही सॉल्व करना है नेक्स्ट फ्रॉम ग्रामर सेक्शन ये पैसेजेस हम लोग नेक्स्ट इस क्लास से इसको हम लोग ऑनलाइन जब विल टेक द क्लासेस ऑनलाइन आई विल जस्ट डिस्कस द पैसेजेस हम लोग जब इंटरेक्शन करेंगे तब उस वक्त हम लोग ऐसे ही पैसेजेस को ही सॉल्व करेंगे एंड इवन विल डिस्कस द ग्रामर पोर्शन टू इन द सेम वे अब ग्रामर में आओ जब सेक्शन बी जो है हमारा ठीक है तो सेक्शन बी में क्या है सबसे पहले तो तुम्हारा कुछ चीजें जो होंगी वो बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी राइटिंग ठीक है वॉट यू राइट इट्स क्वाइट नॉट वेरी क्लियर जो चीजें रहती, रहती है वो क्लियर नहीं रहती हैं तो उसको आप क्लियर करने की कोशिश करो क्लियर करने का सबसे आसान तरीका यू जस्ट गो थ्रू द राइटिंग बार बार लिखो ताकि आपकी जो गलती है वो आई कैन मेक इट क्लियर आई गिवेन वी आर टॉकिंग इवन यू जस्ट राइट इंग डॉग वन लेटर लिख लो एक ठीक है यू सेंड इट टू मी आई टेक इट I'll make मेक द करेक्शन I'll पास इट बैक टू यू तो जिससे आपका जो चीज है जो गड़बड़ हो रही है वो क्लियर हो सके ठीक है इंग्लिश के नॉट बी करेक्टेड ठीक है सबसे पहले यहाँ पे जो तुम लोग का दो सेक्शन ग्रामर सेक्शन में रहेगा वो रहेगा तुम्हारा अनसीन चीजें रहेंगी जैसे लेटर लेटर हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है I've गिवेन यू the फॉर्मेट इवन हाउ टू राइट वर्ट शुड बी द स्टार्टिंग वर्ट शुड बी द एंडिंग एट गिवेन यू एवरीथिंग यू आर है पीडीएफ टू तो यू जस्ट डाउनलोड दैट एंड मेक इट क्लियर की शुरुआत कैसे करना है खत्म कैसे करना है स्टार्टिंग कैसे रहेगा उसका तरीका क्या होगा कैसे 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 हम लोग लिखते हैं वो सब कुछ आप लिखें वो हो जाएगा दूसरा आपका स्टोरी राइटिंग रहेगी स्टोरी राइटिंग में कैसे करते हैं सबसे पहले राइट डाउन द हेरिंग यूर इन क्लास टेंथ यू कैन राइट इंग्लिश बट फ्यू ऑफ यू कैन नॉट कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए है ये कि यू जस्ट प्रैक्टिस राइटिंग तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे उसके बाद कहानी लिखेंगे हेडिंग से यूल गेट द मार्क्स स्टार्टिंग कहानी जो सवाल दिया है उसी से मिलता जुलता यू आर आर क्रिएटिव वेन एवर वी आस्क यू वेर इज होम वर्क यू गिम मे कैन एक्सक्यूज यू गिव द यू क्रिएट यूर ओन स्टोरी तो वो स्टोरी जब आप बना सकते हो तो वहां लिख भी सकते हैं बस लैंग्वेज में थोड़ा कंट्रोल करना है नेक्स्ट इज योर आइदर आर्टिकल दीज ऑल नीड प्रैक्टिस सो फ्रॉम नेक्स्ट आई जस्ट वन टॉपिक प्रैक्टिस पैसेज शुरू करेंगे फिर आर्टिकल फिर लेटर हम लोगों ने बात की पर आप लोगों ने लिखे नहीं है इफ यू आर राइटिंग द लेटर प्लीज पास मी दैट ठीक है सेंड इट टू मी आल चेक इट ग्रामर सेक्शन में वी हैव डन टेंटर माइनस दीज टू नाउ विल स्टार्ट विथ रिपोर्टेड स्पीच तो अभी फिलहाल तुम लोग टेंस और डिटरमाइनस पे कंट्रोल करो टेंस एंड डिटरमाइनर का जो पीडीएफ है आई जस्ट गिवेट टू यू इन दिल्क बिलो ठीक है आई पास इैट टू यू उसके बाद देखो यहाँ ग्रामर सेक्शन में बहुत कुछ हट गया टेंस है डिटरमाइनस है रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें से ओनली थ्री शुड बी देर कमांड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन दीज फोर टाइप्स ऑफ स्पीच आर देर सब्जेक्ट वर्क कोऑर्डिनेट इन दिस यू यू विल विल फेस द रीअरेंज उसको फेस करेंगे अब आ जाओ तुम लोग लिटरेचर के पोर्शन में लिटरेचर का पोर्शन आई डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन जस्ट बिकॉज यू हैड डन ठीक ऑलरेडी कंप्लीटेड हाफ ऑफ द सिलेबस तो उसको नहीं अब विल स्टार्ट विथ ग्रामर एंड अन पैसेजेस अभी भी अगर प्रॉब्लम हो रही है सिलेबस में तो यू जस्ट मेक इट श्योर जस्ट सेंड मी दिंग्स कि नहीं समझ में आए तो आई एक्सप्लेन इट टू यू अगेन ठीक है अबाउट योर एक्टिविटी ठीक है जो एक्टिविटी होगी या फिर जो तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क होगा आई गिव इट टू यू बाय सेटरडे ठीक है टिल्ड्रेन चिल्ड्रेन टेक केयर Goodbye.